मेरा सवाल ह्यूमन जेनेटिक इंजीनियरिंग से मुतल है सियासतदान आई मीन साइंसदान बिलखसूस चीन में तहकी कर रहे हैं कि वो इंसानों की जेनेटिक इंजीनियरिंग से आने वाली नस्ल में आ, उनकी जिसमानी और जहनी सलाहियतों को ज़्यादा ताकतवर और उनको बीमारियों से अम्यून करें तो इस सब को मज़हब कैसे देखता है और क्या ये खुदा के फैसलों में दखल नहीं है बहुत शुक्रिया इंसान को दुनिया में इल्म इल्मल देकर भेजा गया है वो अपनी कमज़ोरियों को दूर करने की जद्दोजहद भी करता है दुनिया में जिन बीमारियों तकलीफ़ों से सबका पेश आता है उनके इलाज भी ढूंढता है अपने लिए बर्तरी के मौक़े भी पैदा करता है असला ये कोई ऐसी ममनू चीज़ नहीं है अगर इसको ममनू करार दे दिया जाए तो फिर तो बीमारियों के इलाज ऑपरेशन जितनी चीज़ें हैं वो सब की सब नाजायज़ हो जाएंगी तो इन में कोई चीज़ भी असलन नाजायज़ नहीं है दुनिया में इंसान को जिस इम्तहान में डाला गया है उसमें एक शूर दिया गया है उसका एक हादसा अखलाक़ी है जो चीज़ों के बारे में ये फ़ैसला करता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है उसकी एक हिस्से जमालियात है तो ये जो चीज़ें इंसान को दी गई हैं यही इंसान का असली इम्तियाज़ और असली शरफ़ है इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए बुनियादी बात यह है यानी जो भी करना हो वो कोई दवा ईजाद की है कोई असल बनाया है जंगो जदाल की नौबत आ गई है या इंसानों के साथ कोई छेड़छाड़ करने का इरादा है तो उसके पीछे सही नीयत होनी चाहिए इंसान की बेहतरी होनी चाहिए अगर कोई हुकूमत अरबा हलोकत या कोई कौम इंसान की शख्सियत के साथ खेल खेलने के तरीके पर करेगी तो वो अपने लिए भी गड़ा खोदेगी और अल्लाह के दीन या उसकी हिदायत की भी खिलाफवर्जी करेगी तो इंसान का मामला जानवरों का नहीं है इसलिए जब भी इंसान के साथ कोई मामला करना हो हो बहुत कुछ सकता है होने को तो लोग मारते रहें इंसानों को मार भी देते हैं कत्ल भी कर देते हैं तो होने को तो बहुत कुछ के इम्कान अल्लाह तला ने रखे हैं बहुत से लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम उम्र बढ़ाना चाहते हैं तो मैंने कहा कि हमें तो पहले से मालूम है कि साढ़े नौ सौ साल तक तो रही है तो आप कितनी बढ़ाना चाहते हैं ज़रा बता दीजिए ताकि अंदाज़ा कर लें तो ये कोई चीज़ नहीं है आप ये काम करें यानी इंसान बूढ़ा होता है इंसान तकलीफ़ में मबला होता है बीमारी में मबतला होता है उसके अंदर कुछ सलाहियतें बेहतर हो सकती हैं या और जो इस तरह के हवाले पेश आते हैं एक दायरे में अगर आप उसमें इंसान की मदद करते हैं या उसको बेहतर करते हैं और नेक नीयति से ये नहीं है कि आपने इंसानों की जगह कोई दरिंदे पैदा करने हैं जो आप दूसरे इंसानों पर टूट पड़े तो ये इंसान के साथ म होगा और जुल्म की इजाज़त ना अखलाकियात देते हैं ना मज़हब देता है